एक दिन गर्मी के दोपहर में एक चूहा अपने बिल से बाहर आया और देखा कि एक सांड पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो रहा है। उसके जोर के खर्राटों ने चूहे की उत्सुकता बढ़ा दी। वाह, इसके नथने कितने बड़े हैं? चूहा आश्चर्यचकित होके बोला और अपने मजे के लिए उसमें घुस के बाहर निकल आया। सांड दर्द के मारे नींद से जाग गया और चीखने लगा। ये सुनकर चूहा घबरा गया और वहां से भागने लगा। सांड बहुत तेजी से भाग कर भी उसे पकड़ न पाया। चूहा अपने बिल में चला गया, लेकिन वो सांड हार मानने को तैयार नहीं था। उसने गुस्से से कहा, मूर्ख चूहे, तूने मुझे क्यों जगाया? अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। ओ महान सांड, मुझे क्षमा कर दो, मैं तो मस्ती कर रहा था, चूहा बोला। पर उस सांड का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने गुस्से से जाकर दीवार पर अपने सर से मारा, इस उम्मीद पर कि दीवार टूट जाएगी और वो चूहे को पकड़ लेगा। वो मारता रहा, लेकिन दीवार नहीं टूटी। ओ बुद्धू सांड, सिर्फ बड़े और ताकतवर होने का ये मतलब नहीं कि तुम हर चीज हासिल कर लोगे। अपना सर पटकना बंद करो और जाओ यहाँ से। चूहे ने मजाक उड़ाया। सांड को चूहे की बात से सच्चाई का अनुभव हुआ और वो चुपचाप लौट गया। बल का प्रयोग हमेशा सही नहीं होता। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।